हाय फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दो अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ। एक भिंडी, जो कि जिसको भी नहीं पसंद होगा वो भी भिंडी खाएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही। दूसरा मैं लेके आई हूँ बेसन से बना अमेजिंग नाश्ता, जो कि मिक्स वेज से बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। दोनों नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले से मैंने भिंडी को कट कर लिया है, दो तीन भिंडी रखी हूँ, जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे काटना है। तो इसको बीच से चीरा लगा लेना है। बीच से चीरा लगाने के बाद इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेना है, जितना साइज आप देना चाह रहे हैं उतना साइज। थोड़ा बड़ा बड़ा होता है तो अच्छा रहता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और कमेंट में लिखें कि मैं कैसा रेसिपी बना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये तड़का, मेन इसमें तड़का होता है लहसुन, ज़्यादा ली हूँ 8 से 10 कली, और सूखा मिर्चा, अदरक का एक टुकड़ा, और जीरा थोड़ा सा, और तेज पत्ता, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं मेथी दाना डालूँगी। और ये मैं अदरक और लहसुन को दरदरा कूट ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग बनता है और जो भी खाएगा खुश हो जाएगा, वो इतना टेस्टी बनेगा कि। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं छोटा 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो तेल डालना चाहें वो तेल डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, जीरा जब ब्राउन हो जाएगा तब इसमें सारा तड़का डालूँगी। ये लाल मिर्च पाउडर 4 डाल रही हूँ, और थोड़ा सा जीरा है 1/2 चम्मच, और तेज़पत्ता। सबका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी है सब्ज़ी, इतना मने सौंधा सौंधा अच्छा लगता है कि मज़ा आ जाता है खा के। इसमें 1/2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें आप सूखा मिर्चा पाउडर भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार डालिए। थोड़ा सा तेल डाल के इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हमको हाई फ्लेम पे भूनना है अच्छे से। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसको ढक के मैं मीडियम फ्लेम पे करूँगी। बहुत ही अमेजिंग बनता है, दाल चावल के साथ मज़ा आ जाएगा खा के। रोटी सब्जी या पूरी पराठा किसी के साथ भी खाइए। अभी इसमें लहसुन अदरक का मैं दरदरा, इसका कॉम्बिनेशन और इससे बहुत अच्छा मुंह में फ्लेवर जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं भिंडी डाल दूंगी। भिंडी को हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। ये थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो गया है तो इसको मैं 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। उसके बाद फिर ये देखिए भाप बन के ये सब भिंडी, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है, पानी डालने से लसलसा हो जाएगा और टेस्टी भिंडी नहीं बनेगा। इसको चलाते रहना है कंटिन्यू। चलाने के बाद हाई फ्लेम पर फिर मीडियम फ्लेम करके 3-4 मिनट के लिए ढक देना है। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार है। इसको आप
और भी भून सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त भून गया है, अब बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अमेजिंग, जो खा के मज़ा आ जाए। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। तो फिर चलिए हम बेसन का चीला वाला नाश्ता बना के दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनता है। इसके लिए मैं एक मीडियम साइज़ का आलू, एक मीडियम साइज़ का गाजर, एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और मैं 200 ग्राम पनीर ले ली हूँ। सबको मैं हाफ़ फ्राई कर लूँगी, हाफ़ फ्राई करके तब जाके चीला बना के मैं उसमें डाल के आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। जितना देखने में अच्छा लगता है उतना खाने में भी टेस्टी लगता है। आप लोग बनाइए, जो भी खाएगा खुश हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा बनता ही है ये। अब इसमें तेल डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच तेल है, छोटा वाला 2 चम्मच के लमसम तेल। मेरा गर्म हो रहा है, तो इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 हरा मिर्चा को 4 टुकड़ा कर ली हूँ, इसको डाल के फिर इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भून के और उसके बाद इसी में धीरे धीरे सब डाल दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं भुनना, हाफ फ्राई करना है कि कच्चापन और सब्जी थोड़ा सा पक जाए बस। अब मैं गाजर डाल रही हूँ और ये आलू और शिमला मिर्च, सबको अच्छे से पका लूँगी। जब सब पक जाएगा टमाटर, तब जाके मैं लास्ट में पनीर डालूँगी। ये पक रहा है अच्छे से, तो इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्वाद के अनुसार नमक। इसको अच्छे से भून लेना है। इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाना है, उसके बाद पक जाएगा ये। तो फिर इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तब तक मैं 1/2 कटोरी बेसन ले ली हूँ, आधा कटोरी में इसमें मैदा डाल रही हूँ। इसमें 1 छोटा स्पून जीरा, 1/4 स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 स्पून सब करके मिक्स कर लूँगी। इधर मेरा सब्जी पक गया है, तो इसको मैं इसमें पनीर डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक इसको मैं अच्छे से घोल बना ले रही हूँ। घोल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है, एक ही बार डालने से ना कम ज़्यादा हो जाएगा, बराबर परफेक्ट घोल बनाना है, जैसे चीला का घोल बनता है। इसमें थोड़ा और पानी पड़ेगा,
क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो अच्छा चीला नहीं बनता है। इसको अच्छे से अच्छे से इसको मिला लेना है, मिल जाएगा तब जाके परफेक्ट चीला बनेगा। देखिए एकदम बराबर, ना गाढ़ा ना पतला। अब ये मैं हाफ फ्राई सारी सब्जी सभी सब्जियाँ को एक बर्तन में निकाल के रख लूँगी। आलू अच्छे से पक गया है मेरा, एक बर्तन में निकाल के रख ले। अब मैं चीला बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। चीला बनाने के लिए हाई फ्लेम पे तवा है, हल्का सा इसमें हल्का हल्का तेल लगा लेना है और उस पर जैसे चीला बनाया जाता है वैसे आराम से बना लेना है। इसी प्रोसेस में सभी चीला को बना के रख लेना है और फिर रोल करके सर्व करना है खाने के लिए। अब ये बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी बना सकता है। टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है और आराम से बन भी जाता है। अब इसको पलट देना है, ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूंगी ताकि फिर दोबारा लगाना ना पड़े। फिर अच्छे से इसको पलट देना है। फिर इसको अलट पलट करके जब पक जाएगा तो इसको निकाल लेना है। देखिए बन के तैयार है एकदम परफेक्ट। इसको मैं निकाल लूँगी, ऐसी तरह से मैं जितना भी बनाना है सब बना लूँगी। दूसरा वाला ही इसी तरह से बना के कर लूँगी। देखिए सब बन के एक लाइन से तैयार है। जितना भी बनाना हो आप एक बार बना लीजिए फिर उसको रोल करके दी। थैंक यू सो मच।